कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मात्र 1.25 इंच बारिश में इंदौर शहर की सड़कें डूब जाने के घटनाक्रम की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नाला टैंपिंग के काम में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। निगम के अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से लाइनें जोड़ दी गई, जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। इंदौर शहर में नाला टैंपिंग की खुली पोल, आधे घंटे की बारिश में शहर हुआ पानी पानी। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का बड़ा बयान, नाला टेपिंग में हुआ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। ये तस्वीर है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की। ये तस्वीर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर की। और ये तस्वीर है 1700 करोड़ रुपए नाला टेपिंग पर खर्च करने वाले इंदौर शहर की। जी हाँ, इंदौर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर शहर में नाला टेपिंग किया गया ताकि बारिश का पानी शहर में जमा न हो। लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी महज आधे घंटे में हुई 1.25 इंच की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी और बारिश के पानी में शहर जलमग्न होता नजर आया। बारिश का पानी नालों में कम और लोगों के घरों में ज्यादा घुसता नजर आया। बारिश का सबसे ज्यादा असर चंद्रभागा, राउजी बाजार और छत्रीपुरा सहित पश्चिम क्षेत्र में दिखाई दिया, जहां लोग घुटने घुटने पानी के बीच चलने को मजबूर थे। मंगलवार को ही आधे घंटे की बारिश से शहर पानी पानी होने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मात्र 1.25 इंच बारिश में इंदौर शहर की सड़कें डूब जाने के घटनाक्रम की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नाला टेपिंग के काम में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। निगम के अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से लाइनें जोड़ दी गई, जिसका खामियाजा अब शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं सब मेरे मंत्री से जांच मांग करिए, इंदौर आयुक्त से, नगर निगम आयुक्त से मांग करिए और इंदौर कमिश्नर से मांग करूँगा कि देखिए इंदौर के अंदर 5 साल के अंदर कम से कम 1700 करोड़ रुपया सिर्फ नगर निगम टेपिंग के मामले में नगर निगम खर्चा गया। वो 1700 करोड़ में 1 इंची आधा 1.25 इंची पानी गिरता है तो इंदौर शहर पूरा तालाब बन जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 1700 करोड़ रुपए कम नहीं होते। वो 1700 करोड़ से आज भी देखिए विधानसभा एक के अंदर आज भी जो नाला टेपिंग हुई, उस नाले टेपिंग के अंदर पानी आज भी नहीं जा रहा और कल भी नहीं जा रहा था। ये सिर्फ कि केंद्र को दिखाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो जिसमें जो अधिकारी भ्रष्टाचार कराए तो नगर आयुक्त से हमारा निवेदन है और उनसे कार्रवाई कर रहे हैं और इंदौर संभाग आयुक्त से निवेदन करेंगे कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर का पैसा है, जनता का पैसा है और जनता का पैसा जो बर्बाद हुआ है और इंदौर शहर हम स्वस्थ बनाने के लिए, सफाई करने के लिए इंदौर की जनता ने मेहनत करी है, इंदौर की जनता ने मेहनत करी है, इंदौर के कर्मचारियों ने मेहनत करी है, तो उससे नंबर वन हुआ है। परंतु आज जो 1700 करोड़ से का जो भ्रष्टाचार हुआ है, हम उसके कागज इकट्ठे कर रहे हैं, वो देंगे, नहीं होगा तो हम उसके कोर्ट भी जाएंगे। क्योंकि ये कार्रवाई जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें टेंडर नहीं हुए, इसमें कई ऐसी खामियां हैं जो हम उसको निकालेंगे, वो हमको उससे दिक्कत नहीं है। परंतु आज इंदौर शहर तालाब बनने जा रहा है और इंदौर में कहीं 5 इंची बरसात हो जाएगी तो इंदौर शहर डूब जाएगा और आपने जो नाला टेपिंग करी वो सब बह जाएगा। परंतु उसके लिए कोई लेवल नहीं उतारा गया, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया गया, जिससे आज इंदौर शहर की हालत बदतर हो गई है और डेंगू जो फैल रहा है इसी से फैल रहा है। क्योंकि इंदौर शहर में डेंगू संभालने के लिए सबसे पहले जो पानी नहीं भरना चाहिए वो नगर निगम द्वारा जो नाला टेपिंग है उससे और डबल पानी भर रहा है। कि लोगों का जो इन्होंने खोद के जो सड़क बना के वहाँ पर वो करा था, वो इंदौर के हमारे पूर्व विधायक और ये लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे वहाँ पर। परंतु आज जनता के लिए सामने नहीं आ रहा है, जनता के लिए आना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि इंदौर के हमारे सांसद महोदय हों या हमारे जो बाकी जो विधायक हैं, उन सबको आगे आना चाहिए कि इंदौर शहर में आप लोगों ने मैच खेला है। हमारे कांग्रेस विधायक को उस टाइम भी नहीं बुलाया गया, लगातार हमको दूर रखा जा रहा है, इसलिए कि ये लोग जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनमें सम्मिलित सभी लोगों का सहयोग है और सभी लोग इसके अंदर कोई बोलते नहीं है। तो हम उससे निवेदन करेंगे, इंदौर की जनता ने आपको चुना है, अधिकारियों ने नहीं चुना है,
इंदौर की जनता ने चुना है, आप मेरा साथ दें तो इंदौर शहर बर्बाद होने से अपने को बचाना है, और जो 1700 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ वो दूर करना है, और उसके अलावा इन लोगों ने कैसे प्लानिंग करती है, नाला टेपिंग करी गई और नाला टेपिंग का बर्बाद पैसा हुआ है, सिर्फ केंद्र गवर्नमेंट ने दिखाया गया कि हमने नाला टेपिंग कर दी है, तो इंदौर शहर बर्बाद हो रहा है और आधा इंची पानी गिर रहा है, कोई 5 इंची पानी गिर जाएगा तो इंदौर शहर क्या हालत होगी ये आप जानते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, हम सभी चाहते हैं कि ये नाला सुधरना चाहिए, जिसने जो भ्रष्टाचार किया जो हुआ वो सस्पेंड भी होना चाहिए, और ठेकेदार जिन्हें गलत काम किया उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये तो देखिए मोदी जी को तो जो लिख के भेज दिया जाता है वो करते हैं, वो तो दिल्ली बैठे हुए दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं, कभी मोदी जी को, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मोदी जी का भी आप इतने ही इंदौर की तारीख करिए, तो इंदौर के अंदर जो गलत काम हुआ है 1 इंची पानी के अंदर, पूरे इंदौर में भी पूरे देश के अंदर छपा है कि इंदौर का नाला टेपिंग नंबर 1 हुआ है, और आज 1 इंची पानी गिरने के अंदर इंदौर शहर डूब गया है, और सबसे बड़ी बात है रिगल चौराया जो अधिकारी जो कलेक्टर ऑफिस ये सब डूब गए, इसका मतलब ये है कि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप मोदी जी वहाँ से निवेदन कर रहा हूँ आप इस पर कार्रवाई करें, इस पर CBI जांच बैठना चाहिए इस पर। ये तो जनता बताएगी, राजनीति कर रही है, आप जाके देखिए हर जो बेचारा जो गरीब बस्ती रहते हैं आप जाके हमारे साथ चलें, मैं बताऊँगा जो बोल रहे राजनीति कर रहे हैं वो मेरे साथ चलें, नाला टेपिंग में क्या हुआ तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, जो बोल रहे हैं वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उनके कारण ही भ्रष्टाचार हुआ है और इंदौर शहर बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के नाला टेपिंग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दिए बयान को लेकर बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए मैं मुझे लगता है कि अपनी छोटी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस बहुत ही निचले स्तर पर आ चुकी है। जिस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उपलब्धि का आह्वान अपने मन की बात में किया कि अब इंदौर सिर्फ स्वच्छता में नहीं उससे एक सीढ़ी आगे वाटर प्लस में भी हम लोग आगे निकल चुके हैं, कान और सरस्वती नदी जो हमारे इंदौर की सेंटर लाइन मानी जाती थी आज उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारे प्रशासन जनप्रतिनिधि लोगों के सहयोग से हुआ है, उसको उस दिशा में बताते हुए वैसा ना करते हुए आज अपनी छोटी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की घटना करना, इंदौर की जनता ऐसे लोगों को भी माफ नहीं करेगी। हालांकि पहले भी कुछ समय की बारिश में इंदौर की सड़कें जलमग्न और निचली बस्तियों में जलभराव होता था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर नाला टेपिंग के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि उन्हें अब जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन उनकी इस आशा को आधे घंटे की बारिश ने तोड़ दिया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जलभराव से निपटने के लिए निगम प्रशासन क्या एक्शन प्लान बनाता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।